हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गंगा एकेडमी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे उन सभी भाइयों के लिए है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में भर्ती होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इस वीडियो में हम जो है जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 की, तो दोस्तों ये जो भर्ती है आपको जून के अंतिम दिनों में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल सकती है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। तो हम जानेंगे कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो क्या क्या जो है इसकी अर्हता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए योग्यता की, तो यदि आप 12वीं पास हैं, क्या है दोस्तों, 12वीं पास। दोस्तों, यदि आप 12वीं पास हैं तो इस भर्ती के लिए आप जो है एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें उम्र की, तो उम्र जो है दोस्तों आपकी 18 से 22 वर्ष होती है। कितनी होती है दोस्तों? 18 से 22 वर्ष। कितनी होती है? 18 से 22 वर्ष। जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी उम्र 18 से 22 वर्ष होगी। कितनी होगी दोस्तों? 22 वर्ष जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो सामान्य वर्ग से आते हैं। यही बात की जाए ओबीसी, एससी और एसटी की, तो इसकी इनकी जो उम्र है ये 18 से 22 होती है, लेकिन इनको 5 वर्ष का दोस्तों 5 वर्ष की छूट होती है। 5 वर्ष की क्या होगी? छूट। इस प्रकार से इनकी उम्र दोस्तों 18 से 27 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 18 से 27 वर्ष हो जाएगी। यानी दोस्तों बात की जाए यानी कि हाइट की, किसकी हाइट की, तो हाइट जो होती है दोस्तों जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए जो हाइट होती है आपकी, वो 168 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 168 सेंटीमीटर। और एसटी के लिए यही हाइट होती है आपकी 160 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 160 सेंटीमीटर। दोस्तों फीमेल के लिए जो आपकी हाइट होती है वो 152 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 152 सेंटीमीटर। यदि कोई एसटी महिला है, यदि आप एसटी महिला हैं तो आपको जो है छूट में वरीयता है, यानी कि 147 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि बात की जाए गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जो उम्र होती है आपकी वो होती है 18 से 25 वर्ष। कितनी होती है? 18 से 25 वर्ष। यानी कि गर्ल्स की जो उम्र होती है वो होती है आपकी 18 से 25 वर्ष, और 5 साल आपको जो है रिजर्वेशन है, यानी 5 वर्ष की आपको क्या है? छूट है। 5 वर्ष की आपको छूट है यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और बात की जाए अगर सीना की, यानी कि पुरुषों के लिए जो सीना होता है वो 79 यानी कि 79 से 84 यानी कि 84 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम आपका सीना जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। अब बात करते हैं हम दौड़ की, तो दौड़ पुरुषों के लिए जो दौड़ होती है आपकी 4.8 किलोमीटर। कितनी होती है? 4.8 किलोमीटर। जो आपके लिए टाइम मिलेगा इसके लिए वो मिलेगा 25 मिनट। कितना मिलेगा? 25 मिनट, यानी कि 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। और वही बात की जाए अगर महिला की, तो महिला के लिए रेस है आपकी 2.4 किलोमीटर,
इसके लिए टाइम है आपका, महिलाओं को जो समय मिलेगा वो मिलेगा आपको 14 मिनट, कितना मिलेगा 14 मिनट, यानी कि 2400 मीटर आपको जो है दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए आपको, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको ये योग्यताएं पूरी करनी होगी, तभी आप जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में एलिजिबल हो सकते हैं। अब हम जो है सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं, आखिर सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है क्या है। दोस्तों यदि बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है यानी कि आपको सामान्य ज्ञान, यानी कि आपसे जो है चार विषय से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो सामान्य ज्ञान से, एक आपका संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, तीसरा मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, और चौथा है आपका सामान्य हिंदी। तो हम जान लेते हैं कि किस टॉपिक से यानी कि किस विषय से कितने प्रश्न जो है परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो बात करें सामान्य ज्ञान की, तो आपको जो है सामान्य ज्ञान से आपको 38 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, जो आपके जनरल स्टडी यानी कि सामान्य ज्ञान से होंगे। इसके बाद संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, इसमें आपको जो है 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे, कितने 38 प्रश्न। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपको जो है 19 से 20 प्रश्न जो है गणित के आपको जो है देखने को मिलेंगे। मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, इसके जो है आपको 37 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। और सामान्य हिंदी की बात करें तो इसके भी जो है आपको 37 यानी कि 37 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे परीक्षा में। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके जो है कुल 150 प्रश्न बैठते हैं, कितने बैठते हैं दोस्तों 150 प्रश्न, यानी कुल प्रश्न कितने होंगे आपके 150। और बात की जाए प्रत्येक प्रश्न की, तो एक प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 2 अंक का होगा, कितने अंक का होगा दोस्तों 2 अंक का। और पेपर की बात करें तो पेपर आपका जो है ऑफलाइन होगा, क्या होगा ऑफलाइन, यानी कि पेपर आपका जो है ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको जो है OMR सीट दी जाएगी और आपको जो है उसको गोला करना होगा। अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/4 की होगी, कितने की होगी, यानी कि यदि आप परीक्षा में 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न जो है काट दिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है इसका आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये हमारा पेपर का जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। दोस्तों ये आपने समझा सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आपका पेपर का था, बाकी अगर ये आप सब अर्हताएँ पूरी करेंगे तो आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी मेरिट की बात की जाए तो ये पेपर के ऊपर डिपेंड होता है, यदि आपका पेपर सरल है तो मेरिट जो है ऊपर जाएगी, यदि आपका पेपर कठिन है तो मेरिट जो है आपकी नीचे जाएगी। इसलिए दोस्तों भर्ती जो है बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए आप जो है अभी से तैयारी में लग जाएं और अपनी एक सीट जो है पक्की करें और एक सरकारी नौकरी लें और अपने सपनों को जो है साकार करें।